अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ फखर आसिफ बाजवा और आप देख रहे हैं बाजवा कहता है। चेक इट आउट। नाजरीन, पीएसएल के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ गई है। जी हाँ, पीसीबी ऑफिशियल और पीएसएल मैनेजमेंट ने पीएसएल के बकाया रह जाने वाले मैचेस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज तो वैसे उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, 22 मार्च को मैं अपनी वीडियो में पीएसएल का शेड्यूल आपको अपनी नाजरीन को बता चुका हूँ। तो मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो यकीनन इस शेड्यूल से ऑलरेडी आगाह होंगे। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स नहीं हैं उनको आज पता चला है कि पीएसएल के बकाया मैचेस कब होने जा रहे हैं। तो डिटेल शेड्यूल सामने आ चुका है पीएसएल के बकाया मैचेस का। इस वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेल से बताऊंगा कि कौन से मैचेस कब खेले जाएंगे, किस टाइम खेले जाएंगे, शाम के मैचेस कब खेले जाएंगे, डबल हेडर मैचेस किस किस टाइम खेले जाएंगे, क्वारंटीन पीरियड क्या होने जा रहा है प्लेयर्स का, कब वो पाकिस्तान में लैंड करेंगे, कब वो क्वारंटीन करेंगे और कब ट्रेनिंग मैचेस खेले जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा की तरह ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको जो अगली वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। इसके अलावा वो लोग जिनके जहनों में मिनी ड्राफ्ट और प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी के हवाले से क्वेश्चन है, उस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में एड कर दूंगा, आप वो वीडियो जाकर भी देख सकते हैं। सबसे पहले पीएसएल का जो शेड्यूल अनाउंस हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। जी हाँ, जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि 1 जून से शुरू होने जा रहे हैं पीएसएल के बकाया मैचेज और फाइनल खेला जाएगा 20 जून को। जी हाँ, 1 जून को पहला मैच होगा लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद की टीमों के दरमियान और 20 जून को खेला जाएगा फाइनल मैच। इन 20 मैचों में से 18 मैच रात को खेले जाएंगे जबकि 2 मैच दिन के टाइम खेले जाएंगे। मैच टाइमिंग्स की बात कर लेते हैं, जिस दिन डबल हेडर खेले जाएंगे उसमें पहला मैच शुरू होगा शाम को 5 बजे जबकि दूसरा मैच रात को 10 बजे शुरू होगा, जबकि जिस दिन सिर्फ एक मैच खेला जाएगा वो मैच रात के 8 बजे खेला जाएगा। और याद है कि ये तमाम मैचेस कराची में खेले जाएंगे। शेड्यूल के अलावा क्वारंटीन पीरियड की बात कर लेते हैं। क्वारंटीन शुरू होगा 22 मई को। जी हाँ, 22 मई को तमाम टीम्स के तमाम प्लेयर क्वारंटीन अपना स्टार्ट कर देंगे। 7 दिन का क्वारंटीन होगा, 28 मई तक क्वारंटीन उनका जारी रहेगा। उसके बाद 29, 30 और 31 मई को 3 दिन उनके लिए होंगे ट्रेनिंग और प्रैक्टिस मैचेस खेलने के लिए, जबकि 1 जून से रेगुलर टूर्नामेंट का आगाज हो जाएगा। पीएसएल 6 के अब तक के जितने मैचेस हो चुके हैं उनमें से पॉइंट्स टेबल पर बात करें तो कराची किंग्स अब तक पहली पोजीशन पर मौजूद है, दूसरे पर पेशावर जलमी, तीसरे पर इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर चौथे नंबर पर, मुल्तान सुल्तान 5वें, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स 6ठे नंबर पर मौजूद है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आप कितने पुरजोश हैं पीएसएल के बकाया मैचेस का शेड्यूल का अनाउंस सुनकर, और आपके मुताबिक कौन सी ऐसी 4 टीमें होंगी जो कि प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। जैसे ही मजीद कोई अपडेट आएगी पीएसएल के हवाले से तो आपको मजीद वीडियो के हवाले से अपडेट कर दिया जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें और अपने सोशल सर्कल में शेयर करना ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।